जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप रहस्यमय ज्ञान सुनते हैं। जिस किसी भी मनुष्य की जन्म पत्रिका में मंगल शनि आमने सामने हो या मंगल शनि एक साथ बैठा हुआ हो, आज का वीडियो उनको समर्पित है। अपनी अपनी पत्रिका निकाल करके चेक कर सकते हैं। कोई ज्ञान नहीं आपको जन्म पत्रिका का, परंतु फिर भी सिर्फ उसमें लग्न चार्ट एक होता है जिसपे लिखा रहता है लग्न चार्ट। उस चार्ट के अंदर कहीं पर भी 12 खाने बने हुए हैं, उसके अंदर देखो कहीं पर भी मंगल शनि एक साथ है या आमने सामने बैठे हुए हैं। आज उसका पूरा विश्लेषण हम आपको बताएंगे ताकि आपको ज्ञान मिल सके कि आपके जीवन में यदि मंगल शनि एक साथ बैठा हुआ है तो क्या क्या हो सकता है, कितना अच्छा है और कितना बुरा है। बहुत से मनुष्यों की जन्म पत्रिका में मंगल शनि आमने सामने होता है या एक साथ बैठ जाता है। चलते हैं, आज उसी के ऊपर गहनता से विश्लेषण करेंगे। पेशेंस रख कर के आप सुनिएगा, ज्ञान में वर्धन होगा। और जो मनुष्य ज्योतिष कर रहे हैं या ज्योतिष सीख रहे हैं या ज्योतिष को जिन्होंने अपना व्यवसाय बना रखा है, उन सब के लिए ये आज का वीडियो बहुत काम का है। क्योंकि कई महीनों की मेहनत के बाद हम वीडियो तैयार करते हैं, बहुत रिसर्च करने के बाद तैयार करते हैं, प्रैक्टिकल देखने के बाद तैयार करते हैं, ताकि आप लोगों को सही सही जानकारी मिल सके। किताबी ज्ञान बिल्कुल भी नहीं है, यह प्रैक्टिकल ज्ञान है। माँ भगवती जगत जननी और परमपिता परमात्मा के चरणों में शीश झुकाते हुए हम चलते हैं। माँ सरस्वती का भी ध्यान कर लेते हैं क्योंकि वो वाणी की सिद्धि देती है और बुद्धि की बुद्धि भी देती है। तो सर्वप्रथम जब तक वाणी में जीवान पर सरस्वती विराजमान नहीं होगी, बुद्धि के ऊपर सरस्वती विराजमान नहीं होगी, हम आपको ये ज्ञान नहीं दे सकते। नीर हार हार धन सार सुधाकरम भा कल्याणम दाकनक चंपकदाभूषाम उत्तुंग पिंड कुछ कुंभ मनोहरांगी वाणी नमामि मनसा वत्सा विभूति ओम ऐम सरस्वत्ये नमः। कामख्य वरदे देवी नीलपर्तवासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामख्य काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिय कामनाम देहि मे नित्यं कामेश्वरी नमस्तुते। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि माम शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने। मंगल शनि कुंडली में मंगल और शनि का योग कैरियर के लिए संघर्ष देने वाला होता है। कैरियर की स्थिरता में बहुत समय लगता है और व्यक्ति को बहुत अधिक मेहनत करने पर ही सफलता प्राप्त होती है। मंगल शनि का योग व्यक्ति को तकनीकी कार्य टेक्निकल वर्क जैसे इंजीनियरिंग मैकेनिकल इसमें आगे लेके जाता है। तो एक बात तो यहाँ पे ये हो गई है कि मंगल शनि का एक साथ बैठना या आमने सामने होना जीवन में संघर्ष कराता है और व्यक्ति को टेक्निकल कार्य की ओर लेकर के जाता है, यानी जिसमें लोहा प्लास्टिक मशीन इनका प्रयोग होता है। और मंगल शनि की युक्ति यदि कुंडली के शुभ भाव में होने पर, शुभ भाव का मतलब हो गया 6, 8, 12 को छोड़ करके, तो शुभ भावों के होने पर व्यक्ति मेहनत करके अपनी की टेक्निकल प्रतिभा के माध्यम से सफलता प्राप्त कर सकता है। और जो हम बोलते हैं कुंडली का छठा भाव अष्टम भाव और द्वादश भाव 6, 8, 12 में
आठ बारह भाव में यदि यह योग बन जाता है तो मनुष्य को मृत्यु तुल्य कष्ट उत्पन्न होता है। मृत्यु तुल्य कष्ट का मतलब हो गया, कई बार जीवन पर संकट आ जाते हैं, स्वास्थ्य खराब रहने लगता है, एक्सीडेंट हो जाता है। और शनि मंगल का योग जिसका भी होता है, चाहे आमने सामने बैठा हो या एक साथ बैठा हो, ये मनुष्य की पाचन तंत्र को प्रभावित करता है, मनुष्य के जॉइंट पेन को प्रभावित करता है, और एक्सीडेंट की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि शनि हवा है, स्पीड है, और मंगल जो है गर्म ग्रह है। तो मंगल ग्रह जो है वो युवा है, चुस्त है, बलिष्ठ है, छोटे कद वाला है, रक्त वर्ण है, गोर वर्ण है, पित्त प्रकृति है, शूरवीर है, उग्र रक्त नेत्र वाला है, और गौरवशाली ग्रह है, यानी कि एक तरीके से सैनिक है, या फिर ये कह लीजिए एक सैनिक की टुकड़ी का हेड कह लीजिए, सेनापति है। और जस्ट इसके विपरीत शनि क्या है, दुबला पतला है, लंबा शरीर है, रूखे बाल है, मोटे मोटे दांत होते हैं, बड़े बड़े नाखून वाला है, दुष्ट होता है, क्रोधी, आलसी और वायु प्रकृति वाला ग्रह होता है। ये शनि ग्रह जो है, मैं उसकी प्रकृति बता रहा हूं, यानी शनि से प्रभावित व्यक्ति जो होता है उसमें ये सब गुण पाए जाते हैं। तो कुंडली में बलवान शनि, अब बलवान शब्द का मतलब हो गया शक्तिशाली, यानी ज्यादा डिग्री वाला, सुखकारी तथा निर्बल या पीड़ित शनि कष्टकारक और दुखदायी होता है। यानी कुंडली में आपको यह देखना है कि यदि बलवान हो शनि तो वह सुख देता है, और यदि शनि निर्बल हो, पीड़ित हो, तो वह शनि कष्ट देता है, दुख देता है। और ये मंगल शनि एक दूसरे के विपरीत स्वभाव वाले हैं, तो ये उस भाव से संबंधित उथल पुथल पैदा करते रहते हैं। अधिकांशतः मैंने जितने ज्योतिष ग्रंथ पढ़े हैं, इन ग्रंथों में मंगल शनि के योग का बुरा ही फल अधिकतर देखने में आया है। यानी जिसकी भी पत्रिका में मंगल शनि एक साथ हो या आमने सामने बैठा हो, मान के चलो जीवन में संघर्ष तो होगा ही होगा, पाचन शक्ति खराब होगी, और उसको अपना बिजनेस या सर्विस में फिक्स स्थायित्व तो आने में बहुत समय लगेगा। और कुछ ग्रंथों में इसको द्वंद्व योग की संज्ञा भी दे दी है। द्वंद्व का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा करने वाला। और जहां पर मंगल बनता है, मंगल बनने का मतलब हो गया एक चार सात आठ बारह, इन भाव में यदि मंगल बैठा और इसमें भी शनि आ जाए तो मंगल बलवान कहलाता है। तो मंगल दोष और ज्यादा खतरनाक हो जाता है यदि मंगल के साथ शनि बैठ जाता है तो ऐसे मनुष्य का यदि एक चार सात आठ बारह, जिसमें जिनको हम बोलते हैं कि मंगल दोष है, इसमें यदि शनि साथ में बैठ जाए तो ऐसे मनुष्य के जीवन में विवाह में भयंकर परेशानी आती है, विवाह संबंधी कठिनाइयां उत्पन्न होती है, और विवाह के रिश्ते भी टूटते हैं, विवाह देरी से होता है, और विवाह के बाद भी जीवन अशांत रहता है, और कई बार पति पत्नी में इतना ज्यादा झगड़ा हो जाता है कि विवाह विच्छेद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। परंतु यह सब ग्रह नक्षत्रों का खेल है, मनुष्य कुछ नहीं करता, हम सब पिछले जन्म के कर्म के फल को भोगते हैं। अब शास्त्र की माने तो मंगल शनि साथ हो तो व्यक्ति दुखी होता है, झूठ बोलने वाला होता है, अपने वचन का पक्का नहीं होता है, और निंदित व्यक्ति होता है, हर कोई व्यक्ति उसकी निंदा करता है, ऐसा शास्त्र में लिखा हुआ है। और कुंडली में मंगल और शनि एक साथ होने पर ऐसा मनुष्य धातु विशेषज्ञ भी बन जाता है। यानी धातु विशेषज्ञ का मतलब हो गया सोना चांदी की परख करने वाला, पीतल की परख करने वाला, हीरे जवाहरात की परख करने वाला, ऐसा व्यक्ति भी होता है, और धोखेबाज मनुष्य होता है।
यानी जिस मनुष्य के मंगल शनि एक साथ बैठे हुए हो, ऐसे मनुष्य से हर व्यक्ति को दूर रहना चाहिए और ऐसे व्यक्ति से विवाह भी नहीं करना चाहिए। धोखेबाज, लड़ाकू, चोर, शस्त्रघाती, यानी कि शस्त्र से उसको चोट लगने की संभावना बहुत ज्यादा होती है, और ऐसा मनुष्य जो है विष यानी जहर से संबंधित ज्ञान रखता है। तो मेरा यही कहने का मतलब है कि यदि मंगल शनि जिसका भी हो उसको अभी से उपाय करो ताकि आप सुखी रह सको। मेरा उद्देश्य है आप लोग ज्योतिष के माध्यम से, ज्योतिष का ज्ञान लेकर के, अपनी जन्म कुंडली का, अपने परिवार की जन्म कुंडली का ज्ञान लेकर के, यदि आप अपने बच्चे को बड़ा करना चाहते हो, बढ़ाना चाहते हो, ऊंचा देखना चाहते हो, यदि आप अपनी बच्ची को अच्छी जगह देखना चाहते हो, अपने स्वयं को अच्छी तरीके से रखना चाहते हो, तो ये कुंडली में चेक करें कि क्या मंगल शनि की युति तो नहीं है, मंगल शनि एक साथ तो नहीं बैठा हुआ है, या फिर 6-8 भाव में, या फिर 1-4-7-8-12 भाव में तो मंगल नहीं बैठा हुआ है, ये अवश्य चेक कर लें, क्योंकि कई बार इस मंगल शनि की वजह से बीमारियां बहुत लगती है। आप बार बार हॉस्पिटल के चक्कर लगाते रहते हो, उसका कारण भी मंगल शनि की युति ही होता है, या मंगल शनि आमने सामने भी हो सकता है। जो मैं हमने आपको बताया कि मंगल शनि जिसका भी कुंडली में होता है, जन्म समय में वह अस्त्र शस्त्र चलाने वाला व्यक्ति भी हो सकता है, यानी कि वो पुलिस लाइन मिलिट्री में जा सकता है, चोरी करने में तत्पर रहता है, मतलब चोरी करने की उसकी प्रवृत्ति रहती है, और झूठ बोलने वाला अवश्य होता है, और जो व्यक्ति झूठ बोलता है वह कभी जिंदगी में सुखी नहीं रह सकता है। तो मंगल शनि वाले व्यक्ति से संबंध नहीं बनाना चाहिए। मंगल शनि वाले मनुष्य को कभी भी अपना दामाद नहीं बनाना चाहिए, रिश्तेदार नहीं बनाना चाहिए। वो सामान की चोरी कर सकता है, झूठ बोलने वाला होता है, नशेबाज भी हो सकता है, और जरूरत पड़ने पर आपको चाकू भी भोंक सकता है। तो इसलिए मंगल शनि वाले व्यक्ति से, यदि आप व्यवसाय चला रहे हैं तो व्यवसाय चलाते समय भी देखो कि जिसका मंगल शनि एक साथ हो ऐसे व्यक्ति को कभी भी सर्विस पर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वो आपको धोखा भी दे सकता है। तो मेरा कहने का मतलब यहां पर यह है कि आप सुखी कैसे रहेंगे, आपको एक ज्ञान होना चाहिए कि मेरी दुकान में मंगल शनि वाला व्यक्ति नहीं है, मेरी दुकान के अंदर, मेरी फैक्ट्री में मंगल शनि वाला व्यक्ति नहीं है, मेरे यहाँ कर्मचारी, ऑफिसर, मैनेजर, कोई भी धोखेबाज नहीं है। तो उसके लिए आपको कुंडली चेक करना चाहिए। कई बार हम ऐसे व्यक्ति को अपने यहाँ सर्विस पर रख लेते हैं और वो धोखा दे जाता है। यदि ऐसे व्यक्ति कभी नौकर बन गए तो वो भी धोखा देते हैं, और यदि ऐसे व्यक्ति आपके सिक्योरिटी गार्ड बन गए तो वो भी आपको धोखा दे देते हैं। तो मंगल शनि वाले व्यक्ति से तो विवाह भी नहीं करना चाहिए, नहीं संबंध बनाना चाहिए। परंतु जिन जिन की इस कुंडली में मंगल शनि है ऐसे मनुष्यों को हनुमान जी की सेवा ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए, हनुमान जी को इष्ट बना लेना चाहिए, और रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। तो ऐसे मनुष्य को सुख नहीं मिलता है, तो सुख प्राप्त करने के लिए पूजा पाठ तो करना पड़ेगी। मंगल शनि का योग जिसकी भी कुंडली में होता है ऐसा व्यक्ति वक्ता हो सकता है, इंद्रजाल विद्या यानी कि तंत्र विद्या में भी पारंगत हो सकता है, धर्महीन, अब धर्महीन का मतलब हो गया धर्म में विश्वास कम करने वाला होता है, झगड़ालू होता है, विष तथा मदिरा के प्रपंच से युक्त होता है, यानी कि वो शराब पीने वाला व्यक्ति भी हो सकता है, कहीं आपको खिलाई पिलाई करने वाला व्यक्ति भी हो सकता है। तो आप यदि अपनी जिंदगी और परिवार से प्रेम मोहब्बत करते हो तो मंगल शनि वाले व्यक्ति से तो विवाह नहीं करना चाहिए, मंगल शनि वाले व्यक्ति को अपने यहाँ सर्विस पर भी नहीं रखना चाहिए। कुंडली अवश्य चेक कर लें, अन्यथा आपके साथ धोखा हो सकता है। और मंगल शनि जिसका ज्यादा होता है उसको जैसे मैंने बताया कि विवाह टूटेगा ही टूटेगा। और भी हमने बहुत से शास्त्रों का अध्ययन किया, तो मंगल शनि कि युक्ति यदि प्रथम भाव में होती हो तो गठियावाद की बीमारी हो जाती है ऐसे मनुष्य को, पित्त का रोग दे देती है वो, और
पापी ग्रह उसके साथ जुड़ जाए तो वो और ज्यादा खतरनाक हो जाता है। और यदि मंगल शनि सातवें भाव में यानी पति पत्नी वाले स्थान पे हो, या फिर मंगल शनि लगन में बैठे और सप्तम भाव को देख रहे हो, तो पत्नी जो है मानसिक रोगी हो जाती है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, वात रोग से ग्रस्त हो जाती है। इसलिए ऐसे मनुष्य से विवाह नहीं करना चाहिए। और जिसका मंगल शनि साथ में होता है उनको खून की बीमारी होने की संभावना ज्यादा होती है। खून की बीमारी का मतलब आप यहां पर लेकर के चले, कुछ भी हो सकता है। तो ज्योतिष में शनि ग्रह को धरती पर होने वाली बुरी घटनाओं का प्रतीक माना जाता है। मतलब बुरी घटनाएं जो पृथ्वी पर होती है उसका कारक ग्रह जो है शनि है। और संसार में होने वाले बहुत से कष्ट, दुख, संताप, मृत्यु, अपंगता, विकलता, दुष्टता, पतन, युद्ध, क्रूरता भरे कार्य, विद्रोह, ये सब शनि की वजह से ही होते हैं। और कुंडली में शनि भी बहुत बड़ा महत्व रखती है। तो जैसे कि हम कहते हैं कि दूसरे भाव में शनि वैवाहिक जीवन के लिए खतरनाक होता है, धन के लिए खतरनाक होता, अशुभ होता है। और जबकि चतुर्थ भाव में भी बचपन कष्ट में गुजरता है, ये शनि कहता है। और दशम भाव में यदि शनि बैठा जाए तो वह ऊंचाइयों से गिरा देता है, यानी पहाड़ से गिरा सकता है, या ऊंचे पद पर पहुंचाने के बाद में आपको धड़ाम से नीचे गिरा सकता, सस्पेंड करा सकता है, टर्मिनेट करा सकता है। शनि ग्रह यदि सप्तम भाव में चंद्रमा के साथ बैठ जाए तो विष योग बनाता है, तो पारिवारिक जीवन को खराब कर देता है। और सूर्य के साथ शनि बैठ जाए तो पितृ दोष की उत्पत्ति हो जाती, तो भी पारिवारिक जीवन खराब कर देता है। और गुरु के साथ शनि बैठ जाए तो परेशानी उत्पन्न अवश्य होती है। अब विश्लेषण कर रहे हैं हम मंगल शनि का। तो यदि मंगल ग्रह की बात करें तो मंगल ग्रह को धरती पर होने वाले जितने भी विस्फोट होते हैं वो सब मंगल की वजह से होते हैं। हमले होते हैं, युद्ध होता है, अग्निकांड होते हैं, भूकंप आते हैं, ये सब मंगल की वजह से आता है। तो मंगल जो है, मंगल दोष वाले जो भाव होते हैं 1, 4, 7, 8, 12, इसके अलावा अन्य भाव में भी हानि करता है। जैसे मंगल यदि तीसरे भाव में बैठ गया तो सुख में कमी प्रदान कर देगा, साहस जरूर देगा पर सुख कम कर देगा। और पंचम भाव में यदि मंगल बैठ गया तो व्यक्ति तुरंत निर्णय लेने वाला होता है और घातक सोच होती है उसकी। तो शनि मंगल यदि एक साथ बैठ जाए तो ऐसा मनुष्य वक्ता हो सकता है, बोलने की अच्छी कला होती है, जादू जानने वाला हो सकता है, धैर्यहीन मनुष्य होता है, झगड़ालू प्रवृत्ति का मनुष्य होता है, विष बनाने वाला व्यक्ति हो सकता है, मदिरा बनाने वाला व्यक्ति हो सकता है, और ताकत से, दमदारी से, लड़ाई से धन प्राप्त करने वाला मनुष्य हो सकता है, कलह करने वाला मनुष्य हो सकता है, उसको सुख नहीं मिलता है और दुखी रहता है, निंदित मनुष्य होता है, झूठे वचन देने वाला व्यक्ति होता है, यानी कि झूठ बोलने वाला व्यक्ति होता है। इसलिए मंगल शनि जिसका भी आमने सामने बैठा हो या एक साथ बैठा हुआ हो, ऐसे मनुष्य से दूर रहना चाहिए। वह हमेशा कभी भी कहीं पर भी आपको धोखा दे सकता है। अब हमने ये सब बातें जो कही है बहुत गहनता से ज्योतिष शास्त्र के बहुत से ग्रंथ है, उन ग्रंथों का अध्ययन किया, और अध्ययन करने के बाद में यह चीज पाई कि हाँ, मंगल शनि ऐसा ऐसा कार्य करता है। अब इन दोनों ग्रह के बीच में एक अजीब किस्म का रिश्ता भी है। मंगल जहां शनि के घर में ऊंच का हो जाता है,
शनि का घर यानी कि 10 नंबर मकर राशि में, वहीं शनि जो है मंगल के घर में नीच का हो जाता है, यानी कि स्वाभाविक बात है एक दूसरे के घर में ऊंच नीच के हो जाते हैं। तो यह दोनों एक मात्र ऐसे ग्रह हैं जो सम सप्तक हुए बिना भी एक दूसरे से दृष्टि संबंध बना सकते हैं। अब एक दूसरे की युक्ति या दृष्टि ये मनुष्य को आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर देती है, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। अब जिसने इससे विवाह किया मंगल शनि की युक्ति वाले से या दृष्टि संबंध वाले से, तो उस लड़की को तो विधवा होना ही होना है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि ऐसे व्यक्ति से शादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मंगल शनि की युक्ति वाला मनुष्य एक जल्दी मरने की संभावना रहती है, क्योंकि वो लड़ाकू किस्म का व्यक्ति होता है, शस्त्र साथ में रखने वाला व्यक्ति होता है, विष पी सकता है, आत्महत्या कर सकता है। इसलिए मंगल शनि की युक्ति वाले मनुष्य से दूर रहना चाहिए। मान लो अपने अपने या नौकर रख लिया आपने मंगल शनि वाले व्यक्ति को और उसने आत्महत्या कर ली, तो बिना वजह आपके ऊपर उंगली उठ सकती है, आपको पुलिस केस बन सकता है, आपको जेल यात्रा हो सकती है, कोर्ट कचहरी करना पड़ता है और आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आपने नहीं मारा है। तो मंगल शनि वाले व्यक्ति से आपको बहुत बचना है। मतलब एक तो नौकर भी मत रखो, मंगल शनि वाले व्यक्ति को सर्विस पर भी मत रखो, नहीं तो धोखा दे देगा। बिजनेस में भी नहीं रखना चाहिए, फैक्ट्री में नहीं रखना चाहिए और ऑफिस में भी काम करने के लिए नहीं रखना चाहिए। और ऐसे व्यक्ति अक्सर अपनी लड़ाकू प्रवृत्ति की वजह से सर्विस छोड़ते रहते हैं और जिस जगह ये चीज नहीं देखते हैं वहां पर ये सर्विस करते भी हैं। मैं पुनः आपसे निवेदन करूंगा कि यदि मंगल शनि की युक्ति किसी के भी भाव में हो उससे बहुत दूर रहिए, क्योंकि ऐसा व्यक्ति झूठ बोलने वाला धोखेबाज आदमी है ये मान करके चले। जैसा कि हम बता रहे हैं आपको कि मंगल शनि की युक्ति मनुष्य को आत्महत्या करने पर मजबूर कर देती है, इसलिए ऐसे मनुष्य को अपने यहाँ नौकर मत रखो, ऐसे मनुष्य से शादी मत करो, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो। क्योंकि हमने बहुत सी कुंडलियां का विश्लेषण किया है, उसमें यह देखने को मिला है कि वह अपने आप को खत्म करने में इंटरेस्ट ज्यादा रखता है। अब उदाहरण के लिए मैं ले लूं, यदि हम पुरानी चले जो कि शास्त्रों की बात करते हैं, तो श्री राम जी की कर्क लग्न की पत्रिका में शनि और मंगल सप्तमेश अष्टमेश व पंचमेश कर्मेश की लग्न व दशम भाव पर दृष्टि है, और इसके मिले जुले प्रभाव में हमने देखा है कि श्री रामचंद्र जी ने जल समाधि ले ली थी, यानी एक तरीके से जल के अंदर समाहित हो गए थे, उसे भी हम आत्महत्या ही कह सकते हैं। ऐसे ही और भी जो हम पुराने शास्त्रों में देखते हैं, किताबें पढ़ते हैं, तो फ्रांसीसी सेना में जनरल पद पर रहने वाले व्यक्ति ने भी आत्महत्या कर ली थी, हिटलर ने भी आत्महत्या कर ली थी तानाशाही की प्रवृत्ति से उत्पन्न होने पर। तो बहुत से उदाहरणों से यह स्पष्ट होता है कि शनि मंगल का संबंध सच में एक तरीके से विध्वंसक योग बनाता है, जो कुंडली में मनुष्य के अतिरिक्त धरती पर भी अपना विध्वंसक प्रभाव छोड़ता है। यानी आकाश मंडल में भी यदि मंगल शनि की युक्ति होगी तो समझो प्लेन आपस में टकराते हैं, बम वर्षा होती है, या पृथ्वी पर भूकंप आते हैं, या ज्वालामुखी फूट उठते हैं। तो शनि को कार्य करने के लिए और मंगल को तकनीक के लिए जाना जाता है। शनि कार्य करता है और मंगल जो है टेक्निक है। शनि का रंग काला है तो मंगल का रंग लाल है, दोनों को यदि मिला देते तो कत्थई रंग का निर्माण हो जाता है, और कत्थई रंग से संबंध रखने वाली वस्तुएं जो जितनी भी होती है वह सब पदार्थ में शनि मंगल की युक्ति मानी जाती है।
अब और गहराई में यदि हम जाएं तो शनि जमा हुआ ठंडा पदार्थ है, तो मंगल गर्म तीखा पदार्थ है, गर्म भी है और तीखा भी है जैसे लाल मिर्ची, और दोनों को मिलाने पर शनि अपने रूप में नहीं रह पाता, यानी ठंडा पदार्थ नहीं रह पाता। जितना तेज मंगल के अंदर होता है उतना ही शनि जो है ढीला हो जाता है। अब इस बात को हम रोजाना जिंदगी में देखने का प्रयास करेंगे। जब अनुसंधान किया है तो आपको डिटेल में स्टडी कराना होगी, तभी आपको समझ में आएगा कि हमें मंगल शनि वाला व्यक्ति से हमारी लड़की का विवाह क्यों नहीं करना चाहिए। और यदि हमारी लड़के लड़की में मंगल शनि की युक्ति हो गई, या हमारी पत्नी के यदि भाग्य में मंगल शनि की युक्ति है, तो कहीं वह आत्महत्या न कर ले, गलत रास्ते पर न चल जाए, तो इसका विश्लेषण आपको समझना बहुत जरूरी है। तो हम यदि इस बात को रोजाना की जिंदगी में समझने के लिए चलें, तो घर में बनने वाली आलू की सब्जी के लिए सोचो, विचारो, जैसे आलू की जो सब्जी होती है शनि में जोड़ी जाती है, कारण जमीन के अंदर यह सब्जी उगती है, ना आलू जमीन के अंदर उगते हैं और जड़ के रूप में आलू का अस्तित्व आता है, ये जड़ है बेसिकली आलू जो हम खाते हैं, और जब इसको निकाला जाता है तो ऐसा कहते हैं कि यह जमा हुआ पानी है, आलू जो है जमा हुआ पानी है और अन्य पदार्थों का मिश्रण होता है। यह सूर्य की गर्मी से सड़ जाता है आलू, इसके लिए आलू को जब निकालने के बाद में कोल्ड स्टोरेज में रखना पड़ता है और समय समय पर निकालकर इसके प्रयोग में इसको लाया जाता है। कोल्ड स्टोरेज से ही आलू को निकाला जाता है, अन्यथा सड़ जाते हैं। अब आलू को हम सब्जी बनाते वक्त इसके छिलके निकाल करके मिर्च मसाले के साथ में सब्जी के रूप में हम इसको पकाते हैं, तो जब हम नीचे इसको गर्मी देते हैं, हीट देते हैं, तो गर्मी दी हमने इसे, तो गैसे से इसको गर्मी मिलती जाएगी, ये पतला होता जाएगा और पक जाता है। अपने अंदर के पानी पर अपने रूप में परिवर्तन से इसको हम आराम से खा जाते हैं, क्योंकि आलू पक जाता है, फूल जाता है, एक एक दाना दाना अलग हो जाता है। अगर इसे गर्म नहीं किया जाए तो यह पकेगा भी नहीं आलू, और यदि हम इसको कच्चा खाते हैं तो कसेला स्वाद रहता है और खाया भी नहीं जाएगा, और सीधे आग में डालने पर यह जल भी जाता है, फ्लेम वाली आग में यह पकेगा नहीं, जितनी मंदी आग में इसको पकाया जाएगा उतना ही आलू स्वादिष्ट बनता है। अब यहां पर कहने का अर्थ यहां पर यह कि आलू को मंदी आंच पर राख में यदि बफाओगे तो बहुत अच्छा टेस्ट भी आता है, स्वादिष्ट भी बनता है, और यदि किसी कढ़ाई में भी आप बनाते हो तो इसको मद्दी आंच पर सेके या फिर पानी में डाल करके कुकर में उबाल लें। अब तो इसका अर्थ यहां पर यह हुआ है कि शनि जो है एक ठोस पानी जमा हुआ है और मंगल जो है गर्म ग्रह है, जब दोनों का मिश्रण हो जाता है तो सब्जी पक जाती है। तो शायद अब आपको समझ में आ गया होगा कि मंगल क्या है, एक दूसरे के विपरीत है। अब दूसरा उदाहरण हम ले लें कि मंगल की जो है भोजन में जो हम लाल मिर्ची का प्रयोग करते हैं, अब उसको हम देखते हैं, जब मिर्च अधिक हो जाती है सब्जी के अंदर तो शरीर के अंदर जमा हुआ कफ जो शनि के द्वारा पैदा किया जाता है, इसलिए लाल मिर्ची खाना चाहिए। यदि किसी मनुष्य को कफ की बीमारी होती है तो उसे लाल मिर्ची खाना चाहिए, जिससे उसको कफ की बीमारी नहीं होगी। तो शनि के द्वारा कफ पैदा होता है, तो जब हम लाल मिर्ची ज्यादा खाने लगते हैं तो वह कफ हमारा शरीर का अंदर का कफ पिघलना शुरू हो जाता है। जितनी अधिक मिर्ची खाई जाती है उतना अधिक कफ शरीर से पिघलना शुरू हो जाता है, और यहां तक कि अगर मिर्ची खाई जाए, अधिक मिर्ची खाई जाए, तो शरीर में कई बार जलन पैदा हो जाती है, मंगल की गर्मी बढ़ जाती है। तो शरीर में वसा के रूप में जमा जो शनि का पदार्थ है वह पिघल करके पानी के रूप में, कफ के रूप में, नाक के रूप में, सर्दी के रूप में, पेशाब के समय, चर्बी के रूप में,
मल को पतला करने के बाद दस्त के रूप में निकल जाता है। यानी लाल मिर्ची खाते हैं तो नाक बहने लगती है, लाल मिर्ची खाते हैं तो कफ निकल जाता है। तो लाल मिर्ची खाना चाहिए, एक बात यह है, ताकि बीमारियां ना हो, क्योंकि कफ की वजह से भी कई बीमारियां हो जाती है। तो ये समझ जाने के लिए मैं बता रहा हूं कि आपको लाल मिर्ची क्यों खाना चाहिए, क्योंकि मंगल का प्रतीक है और शरीर के अंदर की जो चर्बी होती है यह शनि का प्रतीक होती है। अधिक मिर्ची के प्रयोग करने पर यह शरीर की रक्षा के रूप में उपस्थित होता है और सर्दी गर्मी से शरीर को बचाने वाले के रूप में भी काम भी करता है। अब दूसरा उदाहरण लेते हैं कि धीमी आंच पर रखा हुआ पानी वो भाप की शक्ल में उड़ जाता है, बर्तन में चिपक जाता है, विलीन हो जाता है। यह मंगल की वजह से होता है और शनि का स्थान गंदी जगह पर होता है और मंगल का स्थान गर्म जगह पर होता है। जिन मनुष्यों की कुंडली में शनि मंगल की युक्ति होती है उनका खून किसी न किसी प्रकार से इन्फेक्शन से युक्त होता है, उन्हें खून की बीमारी होने की संभावना भी ज्यादा होती है, कैंसर का रोग होने की संभावना ज्यादा होती है। इसीलिए मैं कहता हूं कि यदि कैंसर को हटाना हो तो लाल मिर्ची और हरी मिर्ची खाना चालू कर दो। मतलब मेरे विश्लेषण का मतलब यह कि मैं आपके स्वास्थ्य को भी सुधारने का प्रयास कर रहा हूं, आपको खान पान में भी परिवर्तन करने के लिए कह रहा हूं कि आप स्वस्थ कैसे रहेंगे, आप बीमार नहीं हो। घर के अंदर जिसको बीमारी हो वह इस प्रकार का प्रयोग कर ले। ये मंगल शनि की युक्ति की वजह से घर में बीमारियां भी आती है, वात पित्त और कफ, ये तीन चीज होती है जो बीमारियों का कारण होती है। और घर के अंदर धोखा भी होता है, घर के अंदर चोरी भी होती है, ये सब मंगल शनि की वजह से ही होता है। अब शनि जड़ है, शनि के अंदर एक बात और देखी जाती है कि वह जड़ है, उसे कोई जान नहीं, उसमें कोई जान नहीं होती जड़ में। जैसे सूर्य देखने की क्षमता रखता है, चंद्रमा को हम सोचने की क्षमता मानते हैं, मंगल को हम हिम्मत दिखाने की क्षमता मानते हैं, बुध को गंध को सूंघने की क्षमता मानते हैं, गुरु सुनने और काम शक्ति के विकास की क्षमता रखता है, तो शुक्र जो है उसके स्पर्श से समझने की क्षमता होती है, राहु आकस्मिक घटना देने की ताकत रखता है, तो केतु जो है स्वभाव से ही सहायता के लिए सामने होता है। लेकिन शनि जड़ है, उसे जैसा साधनों से बनाया जाता है वैसा ही वह बन जाता है। मंगल के साथ यदि शनि है तो जमे हुए कार्य को पिघलाने का कार्य करता है। शनि पत्थर है, ठोस है, उसे लाल रंग से रंग दिया जाए तो वह धर्म के रूप में बन जाएगा, यानी उस पत्थर को पूजने लगते हैं। शनि चोर है, यानी शनि का प्रभाव वाला व्यक्ति चोरी भी करता है तो मंगल सिपाही होता है। शनि पत्थर है तो मंगल लोहा है, इसलिए ही शनि के लिए लोहे का छल्ला पहना जाता है। यानी जिसका शनि खराब होता है उसे लोहे का छल्ला अपने शरीर पर धारण करना चाहिए। अब हम आगे चलते हैं, रिश्तों की बात करें तो रिश्तों में देखा जाए तो शनि एक क्या है, कर्म है। शनि कर्म है और मंगल जो है भाई का प्रतीक है। रिश्तेदारी के हिसाब से रिश्तेदारी में शनि दुख है तो मंगल भाई का दुख है, और शनि खेती का काम है तो मंगल मशीनरी है, शनि जेल है तो मंगल उसका प्रहरी है, शनि यदि विदेशी है तो मंगल उसे कंट्रोल करने वाला है, शनि कोयला है तो मंगल तपती हुई आग है, शनि कमजोर है तो मंगल उसके अंदर की शक्ति देने वाला शनि है, और शनि डाकू है तो मंगल उसकी साहस की सीमा होती है, और शनि यदि बुजुर्ग दार्शनिक है तो मंगल उसमें तामसिक विचार भी देता है। शनि कब्रिस्तान है तो मंगल जलती हुई आग है, शनि खंडर है तो मंगल उसके अंदर तपती हुई रेत है, शनि बाल है तो मंगल उसे काटने वाला नाई है, शनि लकवा है तो मंगल गर्म सेक है, शनि फोड़ा होता है तो मंगल ऑपरेशन है, और शनि कर्म है तो मंगल रसोई है, शनि मधुमक्खी है तो मंगल उसके अंदर का जहर है,
और शनि आलू का पकोड़ा है तो मंगल उसके अंदर मीठी चटनी है, और शनि काम करने वाले कर्मचारी हैं तो मंगल कार्य स्थल की रखवाली करने वाला गार्ड है। शनि घर है तो मंगल उसका दरवाजा है। मंगल खून, चोट, चेचक, ऑर्डिनेंस, अपेंडिक्स, हर्निया इसकी बीमारी देता है, तो शनि जो है वात, लकवा, हृदय की बीमारी, ट्यूमर, ब्रोंकास्टिक बीमारी देता है। तो आप समझ जाओ, आपको जैसी बीमारी होती वैसा ग्रह आपका खराब है, तो उस ग्रह को ठीक करना चालू करो। तो मैंने ये जो घर परिवार के उदाहरण दिए हैं, इससे भी आप समझ सकते हो कि मंगल शनि का आपस में बहुत गहरा संबंध है। सब दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, परंतु आवश्यक भी है। अब मंगल शनि की युति में जो अधिकतर कार्य करने वाला मनुष्य होता है वह टेक्निकल पर्सन होता है, मैकेनिकल व्यक्ति होता है, मशीन के कार्य करने वाला व्यक्ति होता है। तो व्यापारिक राशि तुला में अगर यह मिलन होता है, युति होती है, तो मार्केटिंग की क्षमता भी होती है, और MBA आदि करने के बाद बाजार का तकनीकी ज्ञान जो होता है वह शनि का कार्य होता है। मंगल का कार्य में संघर्ष देता है, एक भाई को कष्ट जरूर होता है, मंगल युवा होता है, शनि उसे बुजुर्ग जैसे कष्ट भी देता है, और शनि कार्य है तो मंगल उत्तेजना है। शनि कार्य करता है तो मंगल उसे उत्तेजना में बदलने का काम भी करता है। शत्रु अधिक होते हैं, और किसी प्रकार से चंद्रमा सामने हो जाए मंगल शनि के, तो नाक पर गुस्सा करने वाला व्यक्ति भी हो जाता है। मंगल शनि के साथ वक्री यदि बैठ जाए दोनों, तो उत्साह में कमी हो जाती है, काम शक्ति निर्बल हो जाती है। शनि मंगल के साथ वक्री हो जाए तो अधिकार को प्राप्त करने की जल्दबाजी बहुत करता है, चाहे वह अधिकार भले ही खास आदमी की किसी की मौत भी करना पड़े, मृत्यु भी लेना पड़े, तो वो ले लेता है, लेकिन अधिकार जल्दी से जल्दी लेने में दिक्कत नहीं होती है। यानी मंगल शनि वाला व्यक्ति अपने अधिकार के लिए हत्या भी कर सकता है। मंगल शनि की दशा जब भी आती है तो 3 महीना पहले से ही और 3 महीने बाद तक वह घोर घोर से घोर कष्ट देना प्रारंभ कर देता है। मंगल शनि की दशा में 19 महीने का भयंकर कष्ट होता है, और शनि मंगल के साथ होने पर मनुष्य को बहुत मेहनत के बाद ही सफलता मिलती है। हर काम में असंतोष होता है, और वह व्यक्ति तकनीकी कारणों से ऊंची पदवी वाले लोगों से अनबन रखता है, और गलत फहमी का शिकार भी हो जाता है, और कार्य भी अक्सर चलते हुए अपने आप बंद हो जाते हैं ऐसे मनुष्य के, क्योंकि मंगल शनि की युक्ति होती है। अगर मनुष्य नौकरी करता है मंगल शनि वाला, तो उसे बार बार कार्य बदलना पड़ता है, किसी के कार्य से उसे संतोष होता ही नहीं है। अगर यह युक्ति 3, 7, 11 भाव में चंद्रमा के साथ होती है तो मनुष्य को नौकरी में परेशानी होती होती है, मनुष्य को भयंकर क्रोध आता है, तुनक मिजाजी होता है, और इसी वजह से उसका वैवाहिक जीवन और नौकरी दोनों में परेशानी होती है। इसलिए ऐसे मनुष्य से विवाह नहीं करना चाहिए, ऐसे मनुष्य को नौकरी भी नहीं देना चाहिए। जीवन साथियों को बीमारी की वजह से और नौकरी को तकनीकी खामियों की वजह से परेशानी भुगतना पड़ती है, धन की हानि भी होती है, नौकरी में परेशानी होती है, और यदि यह युक्ति 11वें भाव में होती है और राहु 6ठे भाव में है, यानी केतु भी साथ में बैठा हुआ है, तो कार्य के अंदर बहाने बनाने की उस मनुष्य की आदत होती है, और वह आंख बचाकर काम करने वाला होता है, चोरी भी करता है, और
पुलिस केस, अदालती कार्रवाई ऐसे मनुष्य के जीवन में होती रहती है। तो शनि मंगल यदि किसी का भी जन्म पत्रिका में है तो ऐसे मनुष्य के साथ में विवाह नहीं करना चाहिए, चाहे लड़का हो या लड़की हो, ये देख करके विवाह करें। मेरी आप लोगों से सलाह, यदि आप जीवन में सुखी रहना चाहते हो तो, और यदि आपके भाग्य में लिखा है और आपने मेरे इस लेख को नहीं पढ़ा, इस रिसर्च को नहीं पढ़ा है और विवाह कर लिया है, तो उसके लिए आप खुद स्वयं जिम्मेदार हैं। उपाय भी बता रहा हूं मैं, यदि मंगल शनि की युक्ति आपके परिवार में किसी सदस्य की हो या किसी से विवाह करके बहू लेकर के आए हो, या आपने अपनी बेटी किसी को दे दी हो, जिसको दी हो उसको शनि चंद्र शनि मंगल की युक्ति हो, तो उपाय करवाएं ताकि कुछ कष्ट कम हो सकते हैं प्रायश्चित करने पर। तो सबसे पहले ये देखो कि इन दोनों में से कौन शुभ है, या तो मंगल शुभ है या शनि शुभ है, और अशुभ कौन है। सबसे पहले तो ये चेक किया जाए कि कौन सा शुभ। मंगल शनि की युक्ति तो हो गई, आमने सामने भी हो सकती है या एक साथ भी बैठे हो सकते हैं, तो इन दोनों में देखो कौन बलिष्ठ है कौन शुभ है। तो अब ये वो कैसे चेक करते हैं, उसके लिए भी बता रहा हूं मैं कि शनि जो है अपनी मित्र राशि, शनि की मित्र राशि कौन कौन सी होती है, वृषभ मिथुन कन्या में हो तो ये मित्र राशि होती है, यानी इसमें शनि शुभ होता है। और शनि खुद अपनी स्वयं की राशि में, यानी स्वयं की दो राशि होती है उसकी, मकर और कुंभ, यदि इनमें बैठा हुआ हो या फिर उच्च राशि में बैठा हो यानी तुला में हो, तब शनि शुभ होता है तथा मंगल अशुभ होता है, ये कन्फर्म है। तो इस स्थिति में जो अशुभ है उसके उपाय करना है आपको, और लगातार उपाय करें और ज्यादा से ज्यादा उपाय करें तो आपको कष्ट कम हो सकते हैं। इसी प्रकार यदि हम मंगल को देखें तो मंगल अपनी मित्र राशि में हो, सिंह राशि धनु राशि मीन राशि में हो, या अपनी स्वयं की राशि में बैठा हो मेष वृश्चिक में, या फिर अपनी उच्च राशि में बैठा हो मकर में हो, तो यहां पर मंगल यदि अच्छा बैठ गया तो शनि के उपाय करना चाहिए, तो आप सुखी रह सकते हो। अब यहां पर भी दो प्रकार का भेद है, मकर राशि जो है शनि की स्वयं राशि है और तथा मंगल की उच्च राशि है। यदि यह योग मकर राशि में हो और यह योग भी किसमें 6, 8, 12वें भाव में बन रहा हो, यानी कि जो 6, 8, 12 भाव हम खराब बोलते हैं उसमें बन रहा हो, तब शनि मंगल दोनों की वस्तुओं का दान करना चाहिए, अन्यथा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कुंडली में अन्य भाव में यह योग शुभ फलदायी भी हो सकता है। जो योग या ग्रह शुभ फलदायी हो उनका दान करने से उनकी शुभता में कमी आती है, ऐसा ज्योतिष शास्त्र कहता है। इसलिए जो ग्रह अच्छा हो, जो ग्रह उच्च का हो, उसका दान नहीं करना चाहिए। जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। हमने आपको आज शनि और मंगल के बारे में आज बता दिया है, अपने अपने परिवार की सभी सदस्यों की जन्म पत्रिका को खोलें, चेक करें, शनि मंगल की युक्ति तो नहीं है, और यदि आपके यहाँ किसी लड़के का विवाह होने जा रहा है या लड़की का विवाह होने जा रहा है तो जिससे विवाह हो रहा है उसकी पत्रिका भी चेक कर लें कि कहीं मंगल शनि एक साथ तो नहीं बैठा हुआ है, या मंगल शनि आमने सामने तो नहीं है, और यदि है तो उस पर विचार करें, फिर निर्णय लें कि अब विवाह करना है या नहीं करना है, क्योंकि मंगल शनि का व्यक्ति हत्या कर सकता है, आत्महत्या कर सकता है, और लड़ाई झगड़ा करने वाला मनुष्य होता है, उसका व्यवहार ठीक नहीं होता है, वह झूठ बोलने वाला व्यक्ति होता है, चोरी करने वाला व्यक्ति होता है। उपाय करें और जिंदगी भर उपाय करते रहें ताकि आपको जीवन में सुख समृद्धि शांति प्राप्त हो सके। जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज।